आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। नवरात्र के चौथे दिन इस तरह करें मौकुशमांदा देवी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न। अष्टभुजा आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है जगत जननी माता के कुशमांदा स्वरूप को। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुशमांदा है। नवरात्र के चौथे दिन कुशमांदा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुशमांदा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। कुशमांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। माँ को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुशमांदा देवी कहा जाता है। कुशमांदा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुशमान कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुशमांदा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुशमांडा की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जपमाला और अमृत कलश विराजमान है। माँ कुशमांदा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्य मंडल के पास के एक लोक में माँ कुशमांदा निवास करती है। जानकार विद्वानों के अनुसार विधि विधान से माता कुशमांदा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोक चिंताओं का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि माता कुशमांदा का जन्म कैसे हुआ। इस कथा में हम जानेंगे कि माता दुर्गा का चतुर्थ रूप कौन सा है। नवरात्रि के चौथे दिन किनकी पूजा होती है। माता कुशमांदा का जन्म कैसे हुआ। माता कुशमांदा का मंत्र क्या है। माता कुशमांदा की पूजा कैसे करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुशमांदा का जन्म दैत्यों का सहार करने के लिए हुआ था। कुशमांदा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुशमान कहा जाता है, इसीलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुशमांदा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुशमांदा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
माँ कुष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। यह कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। जानिए माता कुष्मांडा की कथा। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सित कुष्मा कुष्मा त्रिविधता प्युत संसार स अंदे मांस पेशिया मुदर रूपायन यस्या सा कुष्मांडा। इसका अर्थ होता है, वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलके झपकनी शुरू हो गई, और जिस प्रकार फूल में अन्न का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है, और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। जानकार विद्वान बताते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले तीन देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा, और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी, और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को सहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हार कहते हैं। इस देवी का वाहन सिंह है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा का पसंदीदा रंग नारंगी माना जाता है। ऐसे में इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि का चौथे दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता की पूजा में चमेली के फूल या पीले रंग के फूल आपको अर्पित करने चाहिए। जानिए माता कुष्मांडा का मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशन रुधिरा प्लुत मेवच ददाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पादे, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।